नमस्ते दोस्तों, आपका कुक विद पिंकी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिलीशियस पानी पूरी की रेसिपी। पानी पूरी तो लगभग सभी को पसंद है, बहुत ही अच्छी लगती है, देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। फिर हम ये सोचते हैं कि घर पर बनाई कैसे जाएगी, बनाना आता नहीं है, खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है, मार्केट में जाने के लिए टाइम नहीं है। तो फिर चलिए बिना देरी करते हुए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी सी फ्रेंड्स अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या है कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। तो आज हम घर पर आटे की पूड़ियाँ बना के दिखाएंगे। पूड़ियाँ बनाने के लिए लेंगे आटा। आटा मैंने एक कटोरी लिया है, इसमें 2 टीस्पून हम डालेंगे सूजी। सूजी बारीक होनी चाहिए। सूजी डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम आटे का सॉफ्ट सा डो बनाएंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं या पूड़ी बनाते हैं वैसा ही डो बनाना है, ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। अब हम इसको चिकना करके ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इस डो को अच्छे से मस लेंगे और चिकना बनाएंगे इसको। जितना हम गूंथेंगे उतना ये अच्छी पूड़ी बनेगी। डो को अच्छे से मसल के चिकना कर लिया है, अब हम इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे, आधा आधा, और इसकी गोल लोई बना लेंगे। थोड़ा सा बेलन पर और लोई के ऊपर हम लगाएंगे ऑयल, ज़्यादा चिकना नहीं करना है। आटा डाल के हम इसको नहीं बेलेंगे, आटा सूखा लगा के भी इसको बेल सकते हैं, पर मैंने इसको नहीं बेला है। और किसी भी शेप में पतली रोटी के बराबर इसको बेल लेंगे। बड़ी रोटी बनाकर रेडी कर ली है हमने, अब हम इसमें कटिंग करेंगे। कटिंग गिलास से या किसी का ढक्कन हो, किसी भी सर्कल शेप में कट कर सकते हैं। मैंने ये गिलास लिया है, इससे मैं एक साथ देखो कितनी सारी पूड़ियाँ कट कर रही हूँ। कट करने के बाद अब हम इसको एक एक करके अलग कर लेंगे। जो इसका एक्स्ट्रा आटा है उसको हम अलग कर लेंगे, इसको फेंकना नहीं है, इसकी दोबारा से फिर पूड़ियाँ बना लेंगे। इधर मैं कढ़ाई को गैस पर रख दिया था तेल गर्म करने के लिए, तेल गर्म हो गया है। अब हम तेल में एक एक करके पूड़ी डालेंगे। जैसे हमारी एक पूड़ी फूल के ऊपर आएगी उसके बाद हम दूसरी पूड़ी डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और इसको बराबर चलाते रहेंगे। ये देखो मेरी जल गई है पूड़ी, इसलिए हमें गैस का फ्लेम का ध्यान रखना है। ये पहली बार डाली है तो ज़्यादा गर्म तेल हो गया था, इसलिए इसी तरह से हम बाकी सभी पूड़ियों को फ्राई कर लेंगे। सभी पूड़ी लगभग अच्छे से पक रही हैं और फूल भी रही हैं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम पर हम नहीं फ्राई करेंगे। ये बात को मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इसलिए कि हाई पे हम पूड़ियाँ तलेंगे, ये पानी पूड़ी वाली पूड़ी है तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। गैस का फ्लेम मीडियम होगा तो उस पर हम तलेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होगी, जैसे बाज़ार से हम पूड़ियाँ लाते वैसी पूड़ी रहेगी। तो मैंने सभी पूड़ी को गर्म तेल में तलकर रेडी कर लिया है और हमारी सब पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम सब बैठकर पानी पूड़ी का एंजॉय करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैंने तो सभी पूड़ी बनाकर तैयार कर ली है, अब हम इसका एंजॉय करते हैं। पहले सभी पूड़ी को तोड़ के रख लेंगे। अब इसमें डालेंगे फिलिंग और इसमें डालेंगे पानी। तो हमारी पूड़ी परफेक्ट बनकर रेडी हो गई, अब खाना शुरू करते हैं। बाय बाय।